छत्तीसगढ़ में बिजली दरों के निर्धारण के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग ने जनसुनवाई की है, जिसमें कृषक उपभोक्ताओं की ओर से श्याम काबरा ने अध्यक्ष डीएस मिश्र के सामने अपनी बात रखी। सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ताओं ने कहा कि निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो इस पर डीएस मिश्र ने उन्हें फटकार लगाते हुए अपने काम पर ध्यान देने की बात कही। तो उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण शब्द के ऊपर में उन्होंने आपत्ति ली थी और कि ये उचित नहीं है कोर्ट में ऐसा कहना, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता बिजली की दरें बढ़ रही हैं, क्वालिटी नहीं है, इसके कारण उपभोक्ता परेशान है। और उपभोक्ता आकर के अगर अपनी अपना दुखड़ा अगर माननीय आयोग के सामने नहीं रोएगा तो कहाँ रोएगा। कुल हमारे उपभोक्ता है वो 4,34,000, उसमें से यदि 70% उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग नहीं हो रही है या उनके यहाँ मीटर नहीं लगे हैं, तो निश्चय ही ये एक बड़ा प्रश्नचिन्ह है और ये विद्युत मंडल के कार्यकलाप पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। रायगढ़ के